सर्दी शुरू होते ही गाजर मूली का अचार हर घर में बनना शुरू हो जाता है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूली के अचार की बहुत ही आसान रेसिपी, जिसे बनाने में सिर्फ आपको 15 मिनट लगेंगे। ना ही इसमें धूप में आपको सुखाना है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी है। झटपट घर की चीज़ों से बनाए बहुत ही टेस्टी अचार, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो चलिए आज की बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अचार का मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन में 3 बड़े चम्मच मोटे वाले सरसों ले लें और इसे ऐसे 8 से 10 सेकंड के लिए भून लें। सरसों को पकने में समय लगता है, इसीलिए आप इसे हल्का सा सेक लें धीमी आंच पे। इसके बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच मेथी डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच हम इसमें काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच सौंफ डाल देंगे और इन सबको ऐसे भून लेंगे। आधे मिनट के लिए धीमी आंच पे आपको इसे भून लेना है। जैसे ही मसालों से हल्की खुशबू आने लगेगी, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे मसालों का कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो गैस को बंद करें और इसे ठंडा हो जाने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। बस अचार का मसाला जो है वो सिंपल ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे रख दें ऐसे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे छोड़ देती हूँ। जैसे ही मसाला हल्का ठंडा हो जाएगा हम इसे ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ना आपको बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा थिक रखे, यानी थोड़ा सा दरदरा रखे, उससे अचार में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहिए तो लाल मिर्च को भी मसालों के साथ सेक के और ऐसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, मोटा मसाला रखना है आपको अचार में ऐसा। तो मसाला हमने भून लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक पैन में सरसों का तेल गरम करेंगे। तो 1/4 कप सरसों का तेल गरम करें। सरसों के तेल में अचार का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हैं। जैसे ही तेल से धुआं निकलने लगेगा हम इसमें डाल देंगे लहसुन। 25 ग्राम के करीब हम इसमें छिली हुई लहसुन डाल देंगे और 25 ग्राम हरी मिर्च जैसे चीरा लगा के। दोनों को पहले से धो के पोंछ ले, उसके बाद काटे। लहसुन हरी मिर्च को हम थोड़ा सा तल लेंगे। जैसे ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा ना ऐसे, तब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे आपको धीमा रखना है और इसमें हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। ध्यान रहे तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 2 छोटे चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। हींग से अचार में अच्छा टेस्ट आता है। हल्दी और लाल मिर्च को ऐसे तेल में मिक्स कर दें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मूली, गाजर, हरी मिर्च जो आपको डालना है। तो यहाँ पे 2 कप मैंने मूली को ऐसे लंबाई में काटा है, साथ में ही 1/2 कप गाजर डाल दिया मैंने। मैंने मूली की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, गाजर की कम। आप ये तो गाजर मूली की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। गाजर मूली को हमें बस ऐसे तेल में मिक्स करना है, हल्का सा फ्राई हो जाए उतना ही इसे पकाना है। फिर ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया ना, ये इसमें डाल देंगे। साथ में ही हम इसमें नमक डाल देंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है, अचार में नमक ज़्यादा अच्छा लगता है। 2 बड़े चम्मच हम इसमें आमचूर का पाउडर डालेंगे। आमचूर से इसमें खटास आएगी। आमचूर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं या फिर विनेगर। तो यहाँ पे ये आमचूर मैंने डाल दिया है। अब हम इन सबको मिला देंगे। तो ध्यान रहे हमें क्या करना है ना, बस मूली का जो कच्चापन है वो निकालना है। तो जैसे ही मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हटा लेंगे। तो यहाँ पर ना गैस पर हमने इसे 1 ही मिनट मसालों के साथ भुना है, ये देखिए। तो बस यहाँ पे गैस को बंद कर दे। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो मूली से पानी निकलने लगेगा, इसीलिए आपको बस इसे हाई फ्लेम पे सेक लेना है। अब हम क्या करेंगे ना, अचार के लिए तेल गरम करेंगे। तो यहाँ पे 1/4 कप सरसों का तेल मैं वापस गरम करती हूँ। अगर आपको कम तेल में अचार खाना है तो जो हमने मिक्स किया ना उसे ही आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ऐसे तेल वाली अचार खानी है ना तो आप तेल की क्वांटिटी जो है वो दुगुना कर दे। तो यहाँ पे सेम जितना मैंने तेल पहले गरम किया था उतना ही तेल वापस अलग से गरम कर लेती हूँ। सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब तक धुआं नहीं आए तब तक आप उसे गरम करें। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अचार हमने मिक्स करके रखा है ना, इसके ऊपर ये तेल डाल देंगे। तेल हल्का गुनगुना हो तब डालें, खौलता हुआ तेल नहीं डालना है। बस तेल को हल्का सा टेम्परेचर कम हो जाने दें, उसके बाद इसमें ऐड करें। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो जो हमने जीरा धनिया वगैरह डाला था वो पहले भी भून के डाला था, और गर्म तेल में डालने से वो अच्छे से ऐसे पक जाता है। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद ये रेडी टू सर्व है, यानी तुरंत आप इस अचार को खा सकते हैं। तो है ना आसान रेसिपी, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे इस अचार को आप ऐसे किसी भी बर्तन में रख के और फ्रिज में रख के 2 से 3 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं, ये अचार ख़राब नहीं होता। अगर आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है तो कम क्वांटिटी में बनाएं और 2 से 3 दिन में खा के ख़त्म कर दे, तब फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये अचार आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा।